नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही आसान तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया जाएगा, जिसको यूज करके आप फ्यूचर में ब्याज निकालने वाले किसी भी क्वेश्चन को या अपने लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम्स को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 14,000, यानी 14 पर 3 जीरो है, तो 14,000 रुपये की 3% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों 14,000 रुपये है जो कि मैंने कभी किसी व्यक्ति से कर्जा लिया था, और जो व्यक्ति हमको कर्जा दिया था ना, उसने बोला था कि 14,000 का 3% की वार्षिक ब्याज लगेगा। यानी जो वार्षिक ब्याज क्या होता है, वार्षिक मतलब होता है वर्ष, वर्ष मतलब होता है साल, जो भी साल या वर्ष होता है ना उसको हम बोलते हैं वार्षिक। क्या बोलते हैं? वार्षिक। वार्षिक कहने का मतलब क्या है कि अगर इस 14,000 रुपये लिए हुए अगर हमको वार्षिक यानी 1 वर्ष हो जाता है, तो अब इस रुपये का हमको 3% एक्स्ट्रा रुपये जोड़कर देना होता है, समझ रहे हैं ना। तो बोल रहा है कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से अगर 2 वर्ष इस पैसे को हम अपने पास रख लेते हैं तो साधारण ब्याज निकालें, यानी साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 14,000 रुपये है, 3% के वार्षिक ब्याज की दर से हमने लिया है, 2 वर्ष अपने पास रखा है, तो ब्याज कितना होगा, सिर्फ ब्याज पूछ रहा है। और हम आपको अंत में बताएंगे कि सूद के पैसों का हिसाब भी कैसे होता है ना, वह भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सोल्यूशन। सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले मैंने 14,000 रुपये किसी व्यक्ति से कर्जा लिया था, तो जो सबसे पहला रुपये है उसको बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन, यानी पुराना वाला धन। मूलधन बराबर हमारा दिया गया है 14,000। कितना दिया गया है? 14,000 रुपये, ये हमारा मूलधन है। और क्या दिया है? 3% की वार्षिक ब्याज की दर, यानी जो हमारा दर का मान है ना वह कितना है? 3%। और क्या दिया है? 2 वर्ष। तो जो भी वर्ष या महीना होता है ना, यह हमारा समय का मान होता है। समय बराबर दिया है कितना? 2 वर्ष। अब देखिए हमको मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, तो जब ये 3 चीज़ पता हो तब आपको ब्याज निकालने के लिए, यानी साधारण ब्याज निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है उसको देखिए, लिखेंगे यहाँ पर साधारण ब्याज। फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर और पूरे के बाटा में 100, ये होता है हमारा फार्मूला। अब करना क्या है, सिंपल सा। देखिए जहाँ पर है मूलधन वहाँ पर मूलधन का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए मूलधन कितना है, तो मूलधन यहाँ पर 14,000 है, तो मूलधन की जगह पर लिखेंगे 14,000, गुना है तो गुना। अब देखिए समय का मान कितना है, तो समय का मान है 2 वर्ष, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। दर का मान कितना है, तो दर का मान है 3%, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब देखिए फार्मूला में क्या है, बाटा में 100 है, तो इसके बाटा में भी यहाँ पर 100 लगाएंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बच गया, तो यहाँ पर हमारा 140 बच गया। उसके बाद 2 का गुना करेंगे 3 में, तो 2 3 हो जाएगा यहाँ पर 6। और यहाँ पर बाटा में 1 बच गया, तो इसके बाटा में हम 1 लगा देंगे। अब देखिए सिंपल सा, 140 का मल्टीप्लाई करना है 6 में। देखिए जब 6 का गुना करेंगे 0 में तो आपका होगा 0, 6 का गुना करेंगे 4 में तो 6 चौके 24 का 4 आपका हासिल हो जाएगा 2, फिर 6 का गुना करेंगे 1 में तो 6 कम 6 और 2 हारसिन है, तो 6 में 2 हारसिन जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। बटा में क्या है, 1 है, तो बटा में 1 लिखेंगे। और 840 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका सिर्फ 840 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हमारा ब्याज है, यानी साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमारा 840 रुपये आ चुका है। इसी तरीका से आप ब्याज निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई बोले सूद के पैसों का हिसाब करने के लिए, तो उसके लिए करना क्या है, लिखेंगे यहाँ पर सूद के पैसों का हिसाब, इतना लिखना है।
उसके बाद देखिए करना क्या है। जो हमने शुरुआत में कर्जा लिया था यानी जो हमारा मूलधन था कितना था 14,000 रुपये, और जो हमारा ब्याज आया है 2 साल के बाद 840 रुपये, सबको प्लस करना है। देखिए 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। इन्हें 14,840 रुपये ये हो जाएगा हमारा सूद के पैसों का हिसाब। और इसी तरीका से इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।